बस में वमी होंगे इस फिल्म में हम लोग आप लोगों से आज़ाद जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज़ के एडमिशनस के हवाले से और उनके जो कि क्लोजिंग मेरिट्स होते हैं आज़ाद कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए ठीक है उसके हाल से बताएंगे और इसमें आपको पता चल चला कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर तीन पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेज़ है ठीक है और उनके एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाके आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज जो कि आपको पता हुआ कि वो मुजफ्फराबाद के अंदर है उसके अंदर आप लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं इनका जो पोर्टल है वो अब ग्यारह दिसंबर को बंद हो जाएगा आप लोग उसे पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं इस तरह करके जो है आप लोगों को रजिस्टर करना होगा और यहाँ पे एडमिशन पोर्टल है वो आप लोगों को इनकी वेबसाइट अवेलेबल होगा ठीक है और इसकी जो कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगनी है वो तेईस दिसंबर तक लगनी है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी तीस दिसंबर को लग जाएगी ठीक है अब इसमें भी जो है स्टूडेंट सवाल कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या मतलब के इनके स्टूडेंट्स के लिए कितना क्लोजिंग मेरिट्स होता है तो आपको बताया कि पहले आप लोग देख सकते तीन सौ सीट कर होती है आजाद कश्मीर के तीन पब्लिक सेक्टर मेडिकल में ठीक है है अब उसके अंदर फर्दर जो है, वो ओपन मेरिट की तीस सीट्स होती है और डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट जो है वो तकरीबन आप लोग देख सकते हैं कि के जो के कोटा, जो कोटा का होता है है वो 162 सीट्स होती है, ठीक है तो इसी तरह अगर आप लोग अगर ओवरऑल अगर आजाद कश्मीर आजाद कश्मीर के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो तकरीबन तीन में से टू फिफ्टी सीट जो है वो आजाद जम्मू कश्मीर के अपने स्टूडेंट्स के लिए होती है बाकी इनके अंदर पंजाब की नौ सीट्स होती है सिंध की छह सीट्स होती है बलूचिस्तान की छह सीट्स होती है की की फाटा की, सी तरह मतलब के पी के बारह बल्त की और भी सीट्स होती है और उसके भी क्लोजिंग हम लोग अलग अलग, अलग शेयर करेंगे क्योंकि डेफिनेटली ये सीट्स के ऊपर होती है तो उनके भी हम लोग जो है वो शेयर करेंगे लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स के क्लोजिंग मेट्स की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज जो मुसफराबाद में है उसका क्लोजिंग मेरट जो है तकरीबन इसमें सिक्सटी सिक्सटी थ्री सीट्स होती है तो उसके क्लोजिंग मेरे वो एटी नाइन पॉइंट थ्री एट तक होता है ठीक है इस दफा डेफिनेटली इससे ज़्यादा के एक्सपेक्टेड है लेकिन uh, मतलब कि एटी नाइन पॉइंट फाइव तक अगर आप लोग जो है वो सेफ जोन में रहेंगे इसी तरह मीरपुर uh, जो मेडिकल कॉलेज है ठीक है अब इसकी बात पता चले कि इसमें जो है एटी नाइन पॉइंट थ्री फाइव था इसी तरह अब जो है वो डेफिनेटली क्योंकि स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आए हैं आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स को जो है वो शहीद जोफल अली भूटो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था और उसमें स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स

75.31 तक तक जो जो है 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 वो वो क्लोजिंग रहा रहा था इस दफा डेफिनेटली इसका 76 एक्सपेक्ट uh, किया जा रहे। और अगर हम लोग आप लोगों को बताते चले कि इसमें जो मजीद आजाद कश्मीर के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बाकी प्रोवेंसेज में अप्लाई करते हैं अगर उनकी बात की जाए तो किंग एडवर्ड में इनकी एक सीट होती है और उसका क्लोजिंग रेट काफी हाई होता है और नाइन्टी तक जो है एक्सपेक्ट किया जाता है इस दफा नाइन्टी कर ले uh, क्योंकि डेफिनेटली जो किंग एडवर्ड है, उसका मेरिट बहुत हाई होता है थीके? इसी तरह फर्दर पे आप ने की तक पंजाब के मेडिकल उसमें जो है नाइनटी पॉइंट फाइव तक आ जाता है इसी तरह फर्दर जो के एमयू की बात की जाए खैर के अंदर जो मेडिकल है उसमें भी जो है वह आजाद कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए सीट होती है और अगर उसकी सीट वाइज की की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन के पी के सीट्स होती है ठीक है अगर बारह सीट्स है तो तकरीबन हर आप लोग चार मेडिकल है में है है ठीक इनमें जो आप लोग डिवाइड कर लेंगे बारह को तो तकरीबन आपके तीन सीट्स बन जाती है ठीक है उस लिहाज से आप लोग देख सकते हैं कि इसके मेरिट्स काफी है होते हैं आजाद कश्मीर के अपने जो के कॉलेज के जो क्लोज मेरिट्स हम लोगों ने शेयर किए हुए हैं इसी तरह सिंध के अंदर चंदका मेडिकल कॉलेज है उसमें सीट्स होती है और इसकी बात की जाए तो तकरीबन तक तकर

और इसके अलावा अगर हम लोग आप लोगों से शेयर किए जाए तो इस दफ़ा भी जो है अगर आप लोगों के जो मार्क्स आप लोग अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करना चाहते तो पाक रणी स्पॉट डॉट कॉम की वेबसाइट पर कैलकुलेटर अवेलेबल है आप लोग अपना एम डी केट के जो एग्रीगेट है वो अपने मार्क्स टाइप करके आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है फॉर एक्जाम्पल आपने मेट्रिक के मार्क्स लिखे एफ एस सी के मार्क्स लिखे और एम डी केट के मार्क्स लिखे तो आप लोगों का अपना एग्रीगेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा ठीक है फर्दर जो भी इसके हवाले से और भी मज़ीदी अपडेट्स आती हैं हम लोग आपसे शेयर करेंगे अगर आप लोगों ने हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको मज़दीद अपडेट्स मिलती रहे थैंक यू सो मच अला हाफिज